यहाँ पे हमने लिया सत्संग, दूसरा उदाहरण लिया। तो फ्रेंड्स इसके अंदर भी जो प्रथम पद है वो संख्यावाची है, यानी कि संख्या का बोध करा रहा है। तो फ्रेंड्स इसके अंदर भी द्विगु समास होगा, तो हम इसका समास विग्रह करेंगे तो होगा सत्संग का मतलब होता है सात सौ पदों का समूह। तो फ्रेंड्स यदि आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रथम पद है अगर वो संख्यावाची हो और द्वितीय पद प्रधान हो तो भाव आपका होगा द्विगु समास। तो फ्रेंड्स ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, हम और उदाहरण लेके यहाँ पे समझते हैं। जैसे यहाँ पे हमने दूसरा उदाहरण लिया पंजाब। तो फ्रेंड्स इसका जो हम समास विग्रह करेंगे तो होगा पांच नदियों का समूह। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने जैसे दो और उदाहरण लिया पंचमढ़ी। तो फ्रेंड्स इसका हम समास विग्रह करेंगे तो होगा पांच मड़ियों का समूह। तो फ्रेंड्स ऐसे आपको समूह या समास शब्द दिखाई दे तो वहां आपका होगा द्विगु समास। तो फ्रेंड्स जहां पे आपका प्रथम पद है वह संख्यावाची हो और द्वितीय पद है वो प्रधान हो तो वहां आपका होगा द्विगु समास। तो फ्रेंड्स आपको ये द्विगु समास से समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे एक और हमने उदाहरण लिखा त्रिभुज। तो फ्रेंड्स इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो होगा यहाँ पे भी एक त्रि है, यहाँ पे संख्या का बोध करा रहा है यानी कि तीन भुजाओं का समूह। तो फ्रेंड्स इसका समास विग्रह होगा वो होगा तीन भुजाओं का समूह। तो फ्रेंड्स जहाँ पे आपका प्रथम पद संख्यावाची हो और द्वितीय पद प्रधान हो वहां पे आपका होगा द्विगु समास। तो फ्रेंड्स अभी हम पढ़ते हैं परमधारी समास के बारे में। फ्रेंड्स अभी हम पढ़ते हैं चरमधारी समास के बारे में। तो फ्रेंड्स ये भी तत्पुरुष समास है, उसका उपभेद माना जाता है। तो फ्रेंड्स इसके अंदर भी जो द्वितीय पद है वो तो प्रधान रहेगा, इसकी पहचान है द्वितीय पद, या आप इसे उत्तर पद बोल सकते हो। द्वितीय पद तो फ्रेंड्स है इसके अंदर प्रधान होगा, किंतु जो प्रथम पद है विशेषता बताता है। प्रथम पद है वो द्वितीय पद की विशेषता बताता है, वहां पे आपका होगा कर्मधारय समास। और जो प्रथम पद है फ्रेंड्स इसके अंदर प्रथम पद या तो फ्रेंड्स होगा विशेषण या फिर होगा उपमान। और जो द्वितीय पद है फ्रेंड्स वो होगा या तो होगा विशेष्य
या फिर होगा उपमेय। इन दोनों में से एक हो सकता है, या तो विशेषण होगा प्रथम पद या फिर उपमान होगा, और जो द्वितीय पद है फ्रेंड्स या तो विशेष्य होगा या फिर उपमेय होगा। फ्रेंड्स उपमेय का मतलब होता है कि वह वस्तु या व्यक्ति जिसकी उपमा किसी और को दी जाती हो वो होगा आपका उपमान। और उपमेय का मतलब होता है कि वह वस्तु या व्यक्ति जिसको उपमा दी जा रही है। तो फ्रेंड्स हम उदाहरण के द्वारा यहाँ पे समझते हैं इनको। तो फ्रेंड्स पहला उदाहरण हमने यहाँ पे लिखा पीतांबर। इसके अंदर फ्रेंड्स बहुव्रीही समास भी होता है और कर्मधारय समास है वो भी होता है। तो फ्रेंड्स इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो होगा पीत है जो अंबर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये पीत है ये आपका है उपमान और जो अंबर है ये आपका है उपमेय। यानी कि उपमेय है, उपमेय आपका क्या होगा जहाँ पे किसी वस्तु या व्यक्ति जिसकी उपमा किसी और को दी जा रही हो। तो यहाँ पे पीत की उपमा है वो अंबर को दी जा रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका होगा कर्मधारय समास। और दूसरा हम उदाहरण लेते हैं फ्रेंड्स, दूसरा यह हमने यहाँ पे उदाहरण लिया नील कमल। तो फ्रेंड्स इसका समास विग्रह करेंगे, इसका समास विग्रह होगा नीला है जो कमल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नील कमल है, तो यहाँ पे नील जो है यह आपका विशेषण है। तो इसके द्वारा आप पता कर सकते हो कि यह आपका कर्मधारय समास है। फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिखा दूसरा उदाहरण, यहाँ पे हमने लिखा मंद बुद्धि। तो फ्रेंड्स इसका समास विग्रह होगा मंद का मतलब होता है कि धीमी, मंद है जो बुद्धि। फ्रेंड्स ट्रिक के माध्यम से आपको ये भी पता चलेगा कि इसका
और ब से है यहाँ पे लिखा बहुव्रीहि समास। और फ्रेंड्स रही दो समास की बात, द्विगु एंड क्रमधारय समास। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि वो तत्पुरुष समास जो है उनके उपभेद माने जाते हैं। तो इसके द्वारा हम पता कर सकते हैं कि द्विगु एंड क्रमधारय समास जो है वो तत्पुरुष के अंदर आएंगे, तो वो हमें याद हो जाएंगे। द्विगु समास एंड क्रमधारय समास। तो फ्रेंड्स केवल आपको ये नाम याद रखना है, इसके माध्यम से आप इनके जो समास के नाम है वो याद कर सकते हो। और रही बात कि किसका पद प्रधान होगा, तो फ्रेंड्स जहाँ पे अभी भी बाप समास है वहां पे आपको लिखना है केवल प्रथम पद प्रधान। फिर बात आती है तत्पुरुष की, तो यहाँ पे दो नंबर है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको लिखना है द्वितीय पद प्रधान। और जहाँ पे द्वंद्व समास है वहां पे फ्रेंड्स एक और दो दोनों को यहाँ पे लगाना है कि प्रथम और जो द्वितीय पद है वो दोनों प्रधान होते हैं। और फ्रेंड्स फिर आती है बहुव्रीहि समास की बात, तो फ्रेंड्स इसके अंदर प्रथम और द्वितीय दोनों पद है वो अप्रधान होते हैं। अगर आप उनको क्रमवार याद करोगे तो आपको आसानी होगी याद करने में। और फ्रेंड्स जो बाकी हमारे दो समास बसे द्विगु एंड क्रमधारय समास, तो फ्रेंड्स इसके अंदर है यह तत्पुरुष के उपभेद माने जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसके अंदर भी जो है द्वितीय पद है वो प्रधान होगा। तो फ्रेंड्स अगर ये ट्रिक्स आपको अच्छी लगी हो तो इनके माध्यम से आप याद कर सकते हो। और जो हमारा समास का टॉपिक है वो कंप्लीट कर दिया हमने। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में हिंदी के कोई दूसरे टॉपिक लेके आएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर करें। और अगर चैनल पे आप हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आए तो सबसे पहले